एक सवाल ये है ना कि एक सिस्टर की सर्जरी हुई है अपेंडिक्स की, और काफी स्टिचेस उनको आए हैं, सब बता रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनको हैज भी हुआ है, तो उसूल नहीं ले सकते हैं वो। तो अब उनकी नमाज पढ़ने का मसला हो रहा है, और वो बैठ भी नहीं सकते हैं और खड़े भी नहीं सकते हैं। तो उनकी नमाज कैसे अदा होगी, वो कैसे पढ़ेंगे नमाज? ऑपरेशन हुआ है, उनको टांके लगे हुए हैं, और उसके बाद क्या हुआ, उनको माहवारी का मसला बता रही हैं। वो जी सिस्टर, क्या कहा? जी, उनको उसके बाद हैज आया है, और उसका गुसल लेना बाकी है उनको, और वो गुसल नहीं ले सकते हैं ना, सर्जरी हुई है तो स्टिचेस हैज के लिए। जी मतलब डॉक्टरों डॉक्टरों ने बताया है कि गुसल नहीं कर सकती आप। हाँ, जख्म है अभी, उनको सूखा नहीं है, तो अगर लेना भी है तो वो सब ढाक के लेना है, पूरा कवर करके लेना पड़ेगा। देखिए बहन, अगर गुस्ल लेने की कोई सूरत बन सकती हो जिससे कि उनको नुकसान ना पहुंचे तो गुस्ल लेंगी वो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर टांका लगा हुआ है तो आप गुस्ल नहीं ले सकते। कुछ दिनों तक, जब इब्तदाई अय्याम जो होते हैं टांके के, उसमें गुस्ल करने से मना करते हैं डॉक्टर, लेकिन उसके बाद जब जख्म थोड़ा मुंदमिल होने लगता है तो गुस्ल करने की इजाजत होती है। तो बस आप सिर्फ इतना देखें कि क्या गुस्ल लेने की कोई गुंजाइश है कि नहीं, बगैर नुकसान हुए। अगर गुस्ल लेने से उनको नुकसान है डॉक्टरों के कहने के मुताबिक, तब तो वो गुस्ल नहीं करेंगी। और अगर गुस्ल कर सकती हैं, उस पर पट्टी वगैरह बांध के या कोई भी तरीका अख्तियार करके जिससे उनको नुकसान ना हो, तो गुस्ल करना उनके ऊपर वाजिब होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कि आप गुस्ल नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेंगी? ऐसी सूरत में वो गुस्ल के बदले तयम्मुम कर लेंगी। जिस तरह से कोई इंसान अगर वजू नहीं कर सकता तो उसके लिए तयम्मुम है, उसी तरह कोई इंसान अगर गुस्ल नहीं कर सकता तो उसके लिए तयम्मुम है। तो एक बार तयम्मुम कर लेंगी, और उसके बाद वो तयम्मुम उनके गुस्ल का बदल होगा और वो पाक हो जाएंगी। उसके बाद वो नमाज पढ़ेंगी। अब जब नमाज पढ़ने का मसला है, तो नमाज वो जिस तरह से पढ़ सकती हैं, अगर नमाज को उसके असली हालत में पढ़ सकती हैं, खड़े होकर रुकू करके सजदा करके, तो उस तरह पढ़ेंगी। लेकिन अगर उनको इसमें परेशानी है तो जिस तरह से भी उनको आसानी हो उस तरह से नमाज पढ़ेंगी। तो नमाज का जो रुकन, उसके असली हालत में वो अदा नहीं कर सकती है, फकत उसी रुकन के अंदर उन्हें रुखसत हासिल होगी, उस रुकन को वो जिस तरह से आसानी होगी उस तरह से अदा करेंगी। और बाकी जो अरकान वो असली हालत में अदा कर सकती हैं, वो अरकान असली हालत में अदा करेंगी। जैसे मान लीजिए वो रुकू नहीं कर सकती हैं, लेकिन सजदा कर सकती हैं, तो क्या सजदा करेंगी कि नहीं करेंगी? जी रुकू नहीं, रुक करेंगे। नहीं सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कई सारे लोग इसमें गलती करते हैं बहुत कसरत के साथ, कि वो बीमार होते हैं तो पूरी नमाज वो बैठ के पढ़ लेते हैं, सजदा भी इशारों में करते हैं। ऐसा नहीं है, जो रुकन जी वो अदा नहीं कर सकते, रुखसत उन्हें सिर्फ उसी रुकन के अंदर मिलेगी। जो रुकन अदा जी कर सकते हैं उसमें रुखसत नहीं है।